दिन पहले शहर की सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए वाहनों पर ट्रिपल सीट बगैर हेलमेट के लापरवाही से वाहन चलाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करने वाले दर्जनों भर नाबालिग वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 वाहन जब्त किए हैं, जबकि 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले शहर की सड़कों पर नाबालिगों ने हुड़दंग मचाया। वाहनों पर ट्रिपल सीट बगैर हेलमेट के लापरवाही से वाहन चलाते हुए वीडियो भी तैयार किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड होते ही ट्रैफिक पुलिस काम पर लग गई। 11 वाहन पुलिस ने डिटेन किए और 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। कुंभारटोली धंतोली निवासी चिरंजीव राउत उम्र 27 वर्ष के साथ एक दर्जन नाबालिग वाहनों पर उत्पात मचाने निकले बाप तो बाप रहेगा की धुन पर वीडियो बनाया। सीताबर्डी मेन रोड धंतोली अजनी गणेशपेट और सकरदरा परिसर में घूम घूम कर इन युवकों ने उत्पात मचाया। किसी के सिर पर हेलमेट नहीं था। वीडियो वायरल होते ही सीताबर्डी ट्रैफिक जोन द्वारा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। एक एक वाहन का नंबर खंगाला गया। सभी 11 वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए है। जांच करने पर 11 युवा नाबालिग होने का पता चला है। उनके वाहनों पर पुराने चालान भी पेंडिंग थे। हर एक वाहन पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसके साथ ही विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए, हम क्राइम कंट्रोल और ओवरऑल मॉनिटरिंग की दृष्टि से हम सोशल मीडिया में हमारी बहुत एक्टिव पेट्रोलिंग पुलिस की रहती है। पेट्रोलिंग के दरमियान, सोशल मीडिया पे पेट्रोलिंग के दरमियान कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस सामने आए थे और उन वीडियोस को सुओ मोटो हमने दखल देते हुए एक प्रकरण में कुछ नाबालिग बच्चे और कुछ एडल्ट्स ऐसे मिलके कुछ मोटरसाइकिल्स पे मोटर व्हीकल एक्ट कायदे का कुछ उल्लंघन सामने आया था, जिसके वजह से ये 11 मोटरसाइकिल्स और उस पे के राइडर सभी को ताबे में लिया गया था। ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और उसमें 1,00,000 से ऊपर की फाइन इस प्रकरण में की गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई मोटर वाहन कायदा का उल्लंघन, कोई रास्ते पे स्टंट और कोई रास्ते पे हीरोइज्म अगर किसी के द्वारा किया जाएगा और कोई किसी की लाइफ इंडेंजर होगी या इलीगैलिटी सामने आएगी, पुलिस बहुत कड़क कार्रवाई करेगी। इसके पहले भी की हुई है। मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि रास्ता चलने के लिए है, कृपया करके डिसिप्लिन और नियम का पालन करते हुए चलें। किसी प्रकार की अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट सामने आएगी तो ज़रूर पुलिस कार्रवाई करेगी। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स इस प्रकार की ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाल के पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों की सोशल मीडिया जो हैंडल है उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी अकाउंट्स ब्लॉक की जाए। वो भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जारी है। मोटर वाहन कायदा और बाकी कायदे में जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत बहुत कड़क कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी शहर के फुटाला परिसर में कुछ नाबालिग युवकों ने वीडियो बनाने के चक्कर में लापरवाही से वाहन चलाते हुए आसपास के लोगों की जान जोखिम में डाली थी, जिसका भी पता चलते ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनसे वाहन जब्त किया था। जिसके बाद से ही सक्रिय पुलिस ने फुटाला परिसर में स्टंटबाजी, ट्रिपल सीट और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 130 नागरिकों पर कार्रवाई कर उनका चालान वसूला था। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही इस कार्रवाई से लोगों में खलबली और दहशत का वातावरण दिखाई देने लगा है। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।